देखने लगते हैं। बेन को लूसी का चेहरा जाना पहचाना लगता है, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी नेट पर सर्च कर पता लगा लेता है कि लूसी पहले गंदी फिल्मों में काम करती थी। लूसी की सच्चाई जानकर जिमी भी हैरान होता है, क्योंकि उसे लूसी के बारे में ज्यादा नहीं पता था। इसी दौरान बेन लूसी की कुछ तस्वीरें लेता है और फिर वो सभी दोस्त लूसी की फिल्में देखकर अपना वीकेंड मनाते हैं। अगले दिन बेन काइली नाम के एक लड़के को लूसी की तस्वीरें दिखाकर कहता है, ये वही लड़की है जिसे देखकर तुम ठंडे होते हो, ये लड़की मेरे दोस्त के पड़ोस में रहती है। बेन एक गैराज में काम करता था और काइली गैराज के मालिक का छोटा भाई था। ये गैराज माइक नाम के आदमी का था और वो भी वहाँ आकर लूसी की तस्वीरें देखने लगता है। माइक का भाई काइली दिमाग से थोड़ा कमजोर था, लेकिन वो लूसी के फिल्मों का बहुत बड़ा दीवाना था। इसी बीच बेन माइक को भी बता देता है कि लूसी उसके दोस्त की पड़ोसन है। दूसरी तरफ लूसी जिमी के घर के पास आकर उसे पुकारती है। उसकी पुकार सुनकर जिमी खिड़की खोलता है और लूसी कहती है कि मुझे घर के लिए राशन लेना है, क्या तुम मुझे स्टोर तक ले जा सकते हो। ये सुनकर जिमी जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आता है और फिर वो दोनों स्टोर की तरफ बढ़ने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों स्टोर में पहुंच जाते हैं और लूसी सामान खरीदने लगती है। इसी स्टोर में काइली भी सामान खरीद रहा था और वो लूसी को देखकर उसकी तस्वीरें खींचने लगता है। तस्वीरें लेते लेते वो लूसी से कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन तभी वहाँ जिमी आकर काइली का कैमरा छीन कर उसे डांटता है। अब वहाँ काइली का साथी मार्टिन भी आ चुका था और वो भी माइक के गैराज में काम करता था। वो पहले काइली को संभालता है और फिर लूसी से कैमरा वापस लेता है। अब जिमी और लूसी वहाँ से जाने लगते हैं और तभी काइली मार्टिन को लूसी की सच्चाई बता देता है। लूसी के बारे में जानकर वो लूसी को गालियां देने लगता है, जिसके बाद लूसी गुस्से में आकर स्टोर से बाहर निकल आती है। थोड़ी देर बाद जिमी बेन के गैराज में आकर उससे कहता है, लूसी के बारे में सिर्फ हम दोनों को पता था, मगर तुम्हारे कारण अब उसके बारे में काइली और मार्टिन को भी पता चल गया है। तुमने ये ठीक नहीं किया, तुम उसे बदनाम कर रहे हो। मगर बेन पर उसकी बातों का कुछ खास असर नहीं होता और वो उसे चले जाने को कहता है। अब दोनों दोस्तों के बीच हाथापाई होने ही वाली होती है कि तभी माइक वहाँ आकर उन दोनों को रोकता है। आज जिमी और बेन की दोस्ती टूट चुकी थी, जिसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते हो जाते हैं। रात को जिमी और लूसी साथ साथ डिनर करने के लिए जाते हैं। दोनों का मूड आज ठीक नहीं था, इसीलिए वो दोनों अपना मूड ठीक करने के लिए यहाँ डिनर करने आए थे। दूसरी तरफ बेन, मार्टिन और काइली एक गाड़ी में बैठकर लूसी के घर की तरफ बढ़ रहे थे। माइक पहले ही लूसी के घर के बाहर पहुंच गया था और वो अपने साथियों के आने का इंतजार कर रहा था। जल्द ही उसके साथी भी लूसी के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और माइक सभी को जल्दी जल्दी घर में चलने को कहता है। उनके जाने के बाद गाड़ी में सिर्फ काइली ही बचा था। दरअसल माइक और उसके गैराज में काम करने वाले सभी लड़के चोर थे। जब माइक को पता चला लूसी पहले एक्ट्रेस थी, तभी उसने चोरी करने का मन बना लिया था। उसे पूरी उम्मीद थी कि वो लूसी के घर को लूट कर मालामाल हो जाएंगे, मगर काफी कोशिशों के बाद भी माइक और उसके साथियों को घर में कुछ नहीं मिलता। थोड़ी ही देर बाद जिमी और लूसी भी अपने घर की ओर वापस आ रहे थे और गाड़ी में बैठा काइली उन्हें देख लेता है। लूसी जैसे ही अपने घर के पास पहुँचती है तो गाड़ी में बैठा काइली हॉर्न बजा देता है ताकि वो अपने साथियों को होशियार कर सके। हॉर्न सुनकर जिमी को भी खतरे का एहसास हो गया था और वो जैसे ही लूसी के घर में घुसता है तो तीनों चोर उन दोनों को पकड़ लेते हैं। देखते ही देखते ये चोर लूसी को बेडरूम में मार देते हैं, जबकि जिमी को अलग कमरे। इन चोरों को लूसी के घर में कुछ नहीं मिला था, जिसके बाद माइक अपने साथियों से कहता है, लगता है लूसी ने अपना सारा पैसा बैंक में रखा है, हम सुबह उसे जिमी को मारने की धमकी देकर बैंक से पैसे निकाल लेंगे। माइक के इस योजना से सभी सहमत थे और वो सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। लूसी के पास एटीएम नहीं था, वरना ये लोग अभी पैसे निकाल कर चले जाते। अगले दिन माइक लूसी को लेकर बाहर आता है और फिर एक जगह गाड़ी रोक कर पहले उसके हाथ खोलता है और फिर उसे बैंक के फॉर्म पर साइन करवाता है। बैंक के फॉर्म माइक को लूसी के घर में ही मिले थे। लूसी भी जिमी को बचाने के लिए चुपचाप साइन कर देती है। अब माइक अपनी गाड़ी को एक बैंक मशीन के पास रोकता है। इस मशीन में एटीएम के साथ साथ फॉर्म से भी पैसे निकाले जाते थे, मगर लूसी के अकाउंट में कोई टेक्निकल इशू आ गया था और मशीन उसे एक दिन का इंतजार करने को कहती है। माइक की योजना फेल हो चुकी थी, जिसके बाद वो लूसी को लेकर वापस चला जाता है। घर में आकर फिर से वो लूसी को बेडरूम में बांध देता है और फिर अपने साथियों को सब बताकर कहता है, हमें एक दिन और इंतजार करना होगा वरना सारी मेहनत पानी में जाएगी। उसकी बात खत्म होते ही पास खड़ा बेन कहता है, जिमी की माँ उसे रोज फोन करती है, अगर उसने जिमी से बात नहीं की तो वो घबरा कर पुलिस को भी फोन कर सकती है। बेन की बात सुनकर माइक जिमी से पूछता है कि तुम्हारा फोन कहाँ है। इस पर जिमी कहता है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास लैंडलाइन है। जिमी की बात मानकर माइक उसे उसके घर में ले जाता है और फिर जिमी अपनी माँ को फोन करता है। इसी बीच जिमी की लवर मैंडी उससे मिलने आ जाती है। वो बाहर ही रोककर जिमी को पुकारने लगती है, लेकिन तभी बेन वहाँ आकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। मैंडी घबरा कर भागने की कोशिश करती है, पर तभी मार्टिन भी सामने आ जाता है और वो मार्टिन से बचते बचते नीचे गिर जाती है, सर पर चोट खाकर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद बेन और माइक मैंडी को लेकर जिमी के घर में आते हैं। उसकी हालत बहुत नाजुक थी और वो कभी भी मर सकती थी। माइक ने जिमी को भी एक चेयर पर बांध दिया था ताकि वो भी भागने की कोशिश ना करे। कुछ देर बाद रात हो जाती है। मार्टिन और बेन पूरी
पूरी रात लूसी के साथ गपागप करते हैं। अगले दिन माइक लूसी को फिर से गाड़ी में बिठाकर बैंक मशीन की तरफ जाता है। उसी पल मार्टिन जिमी के पास खाना लेकर आता है। जिमी ने एक छोटा सा कटर अपनी जेब में छुपा रखा था। वो जब यहाँ फोन करने आया था तो मौका देखकर कटर उसने अपनी जेब में डाल लिया था। अब जैसे ही मार्टिन उसके पास आता है तो जिमी कटर निकाल कर उसका गला काट देता है। फिर वो एक हथौड़ी से मार्टिन के सिर पर तब तक वार करता है जब तक वो मर नहीं जाता। उधर बैंक मशीन माइक को एक और दिन इंतजार करने को कहती है, जिसके बाद माइक वापस जाने लगता है। दूसरी तरफ जिमी मैंडी की सांसें चेक कर रहा था। मैंडी ने दम तोड़ दिया था और उसकी मौत देखकर जिमी गुस्से से पागल हो जाता है। और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।